जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक, इसका नाम है Realme 8 और आप देखना शुरू कर चुके हैं AR Unbox। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि Realme 8 में Gcam लेटेस्ट वर्जन 8.1 कैसे इंस्टॉल करें, आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, साथ ही मैं आपको कुछ कैमरा सैंपल्स भी दिखाने वाला हूँ। सो गाइस, वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और यूजफुल है, आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को आरम्भ करते हैं। Gcam लेटेस्ट वर्जन 8.1 दोस्तों मैंने भी अपने Realme 8 में सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि यहां पे आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। सो गाइस, आप देखेंगे कि आपको सबसे पहले ऑप्शन मिल जाता है नाइट साइड का, बेसिकली ये नाइट मोड है। यहां पे आपको एक ऑप्शन मिलता है एस्ट्रोग्राफी मोड का, अगर आप इसको इनेबल करके रखते हो तो रात में आप बहुत ही कमाल के फोटोज क्लिक कर सकते हो। नेक्स्ट आपको यहां पे जो ऑप्शन मिलता है वो है पोर्ट्रेट मोड का, यहां पे भी आपको यहां पे 1x और 2x की जूम बटन मिल जाती है जिससे आप अपने मेन ऑब्जेक्ट को जूम कर सकते हो। बाकी फ्लैश को ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाता है, टाइमर मिल जाता है, गूगल ऑटो ब्लैक एंड व्हाइट का भी ऑप्शन मिल जाता है। मेन कैमरा सेक्शन की बात करते हैं, यहां पे भी आपको 1x 2x जूम का ऑप्शन मिल जाता है। बाकी यहां पे सेम चीज गूगल ऑटो ब्लैक एंड व्हाइट फ्लैश सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। बाकी यहां पे इमेज रेशियो को भी चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है। मेन बात करते हैं दोस्तों वीडियो सेक्शन की, यहां पे आपको स्लो मोशन मिल जाता है जिसमें आप 1/8 और 1/4x तक स्लो मोशन रिकॉर्ड कर सकते हो। साथ ही साथ टाइम लैप्स भी मिल जाता है, टाइम लैप्स के लिए आपको मैक्सिमम 120x तक की रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है। वहीं पे बात करते हैं दोस्तों अपने मेन और नॉर्मल वीडियो की, तो यहां पे आप देखेंगे तो आपको इसमें Gcam लेटेस्ट वर्जन 8.1 में 4K 60fps तक की रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है जो कि बहुत ही कमाल की चीज है। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं तो आपको इसमें एक्सटर्नल माइक का भी सपोर्ट मिल जाता है। मोर ऑप्शन में जाएंगे तो यहां पे आपको पैनोरमा और फोटो स्पेयर का ऑप्शन मिल जाता है। वहीं पे चलते हैं दोस्तों, अगर हम इस Gcam की सेटिंग में, यहां पे आपको कुछ और सेटिंग्स के ऑप्शन मिल जाते हैं बट आपको यहां पे कोई चेंजेस नहीं करने हैं। अगर हां आपके Gcam वर्जन में 4K 60fps का ऑप्शन नहीं आता है तो आपको यहां से उसको इनेबल कर देना होगा। बाकी आपको इसमें EIS OIS का भी सपोर्ट मिल जाता है। दोस्तों Gcam के इसी लेटेस्ट वर्जन 8.1 से मैंने कुछ फोटोज क्लिक किए हैं, आप देखेंगे कि फोटोज में आपको काफी अच्छी डिटेल मिल जाती है और फोटो क्लोज टू नेचुरल होती है, बट आपकी जो फोटोज होती है थोड़ा सा वो ओवर सेचुरेटेड आती है। वहीं पे आप देखेंगे सेल्फीज वगैरह में भी यहाँ पे आपको जो थोड़ा सा कलर है वो सेचुरेटेड ज्यादा मिल जाता है। बाकी डिटेल की बात करें, वहीं पे बुके मोड की बात करें, पोर्ट्रेट मोड में आपको बहुत ही कमाल के सैंपल्स या फोटोज मिल जाते हैं। सबसे मेन चीज, आप Realme 8 में Gcam लेटेस्ट वर्जन 8.1 को कैसे इंस्टॉल करें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, क्लिक करके आप डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको इसमें कोई भी कॉन्फ़िगर फाइल डाउनलोड नहीं करनी है, तो इंस्टॉल करने के बाद सीधा आपकी जो भी डिफॉल्ट सेटिंग है उसी में आप यूज कीजिए, आपको बहुत ही कमाल के फोटोज मिलने वाले हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो पर कमेंट करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर करिएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम जब भी नई वीडियो डालें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।